एक तरफ राजस्थान में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो दूसरी ओर चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी के अंदर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे पार्टी में घमासान मचा हुआ है। राजस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ बीजेपी के अंदर कलह सामने आ रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्हें मंत्री परिषद से हटाने की भी मांग करेंगे। बता दें कि सीनियर विधायक कैलाश मेघवाल ने भीलवाड़ा के एक गांव में सार्वजनिक बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताया है। कैलाश मेघवाल ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए अर्जुन मेघवाल ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने आगे कहा कि वह तो चोर नंबर एक है। अर्जुन राम मेघवाल धीरे धीरे आगे बढ़ गया, पहले MP और फिर केंद्रीय मंत्री बन गया। मैं अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखूंगा। अगर उनसे भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो मैं संतुष्ट नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं सच बोलने से किसी से नहीं डरता। PM नरेंद्र मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अर्जुन राम मेघवाल जब अफसर रहे तब भी उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया था, पूर्ववर्ती सरकार के समय भ्रष्टाचार किया, उसके केस आज भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जरा आगे सुनिए। कैलाश मेघवाल ने आगे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगला चुनाव वापस शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ूंगा। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से 36 कौम का साथ मिल रहा है। मैं BJP से कहना चाहता हूं कि या तो मुझे टिकट भेज दो, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जो यहाँ की जनता चाहेगी वही करूंगा। तो वहीं इस पर BJP ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर पार्टी ने 10 दिन के अंदर कैलाश मेघवाल से जवाब मांगा है। अनुशासनात्मक अनुशासन समिति ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो वहीं सुनिए अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने। और मंच से ही मेरे को धमका रहे थे, धमकाने की भाषा में, इस बार मेरे को टिकट दोगे कि नहीं दोगे। तो मैंने कहा टिकट देने वाला मैं कौन होता हूँ जी, टिकट तो पार्टी तय करती है जी, कि आप ये सीमा विमा तोड़ देना 75 साल वाले। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी वो मिले होंगे, उनको लग रहा होगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा उसी प्रोग्राम में वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ करते थकते ही नहीं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। तो राजनीतिक मुद्दा हो गया ना फिर तो, जब वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस ही उनको टिकट मिल रही है तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।